प्रधानमंत्री मोदी जहां एक ओर स्वच्छ भारत बनाने का सपना देख रहे हैं, वहीं चंपावत में अधिकारी पीएम के स्वच्छ भारत की माटी पलित करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि चंपावत के सर्किट हाउस के पास इतना ज्यादा कूड़ा जमा है जिसे स्थानीय लोगों का आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जब इस बारे में नगर पालिका में शिकायत की गई तो नगर पालिका अध्यक्ष ने जल्द ही कूड़ा हटाने की बात कहकर टाल दी। पूर्व में नगर पंचायत के समय से ही यहाँ पर कूड़ा फेंका जा रहा है। जब नगर पालिका बनी है उसके बाद मैंने प्रयास करा और बनलेख में एक जगह चयन करके प्रशासन के माध्यम से वो सैंक्शन हुई, पर नेशनल हाईवे के किनारे होने के कारण इसका विरोध और ग्रामीण का विरोध हुआ और जिसके बाद उसको हमने कैंसिल करना पड़ा। अब पुरानी जगह में ही हम नीचे उसका प्रपोजल बना के हमने भेजा है। प्रशासन स्वच्छ भारत को लेकर लाख दावे कर ले, लेकिन जिस तरह से कूड़े का अंबार नजर आ रहा है उससे प्रशासन के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंपावत से हरीश पांडे की रिपोर्ट।